रोग समाधान में आपका स्वागत है। आज हम आपको इच्छा अनुसार विरेचन अर्थात इच्छा अनुसार दस्त लगाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताए जा रहे हैं। आप इनको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इनको लाभ हो, इनको सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन नुस्खों का मतलब केवल आपके शरीर को निरोग रखना और आपका जीवन मंगलमय रहे, इनका उद्देश्य में नहीं है। अब आपको घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं। नंबर एक, स्नाय, मुनक्का और गुलाब के फूल प्रत्येक 3-3 ग्राम लें। इन सब को क्यूट पीस कर चूर्ण कर लें। इस चूर्ण को फांक कर ऊपर से गर्म दूध पियो। जब दस्त हो जाए तब दोबारा पियो। जब तक दूध पीते रहोगे तब तक दस्त होते रहेंगे। जब दस्त बंद करने हो तब दूध पीना बंद कर दो। मूंग की दाल की खिचड़ी, दाल चावल संभाग हो, 50 ग्राम घी डालकर खाएं, दस्त बंद हो जाएंगे। यह आपको बड़ा अच्छा घरेलू नुस्खा बताया, इसको इस्तेमाल कीजिए। नंबर दो, सुपारी, बड़ी हरड़ का छिलका, बबूल या किक्कर, तीनों 10-10 ग्राम लें। इन्हें जो कुट करके 750 ग्राम पानी में उबालें। 50 ग्राम पानी रहने पर उतार कर छान लें। जितनी बार छान कर पिलाएंगे उतने ही दस्त होंगे। 20 बार छानने पर 20 दस्त होंगे। नोट, हर बार कपड़े के अलग अलग भागों से छाने। जिस स्थान पर एक बार छाना है वहां दोबारा न छाने। नंबर तीन, सौंफ 20 ग्राम, बड़ी हरड़ की छाल 20 ग्राम, सुपारी 15 ग्राम, तीनों को जो कूट करके रात में 1 किलो पानी में भिगो दें। सुबह आग पर रख कर काढ़ा बनाएं। जब 100 ग्राम पानी रह जाए तब उतार लें। इसे जितनी बार छान कर पिलाएंगे उतने ही दस्त होंगे। छानते हुए हर बार कपड़े के अलग अलग भागों से छाने। नंबर चार, अजवाइन खुरासानी 50 ग्राम को साफ करके थुअर के 50 ग्राम दूध में भिगो दें और सूखने के लिए छाया में रख दें। सूखने पर दोबारा 50 ग्राम दूध डाल दें। इसी प्रकार 10 भावनाएं दें अर्थात 10 बार सुखाएं, डालें और सुखाएं। फिर शीशी में भरकर रख लें। जितने दस्त कराने हो उतने ही दाने रोगी को खिला दें, उतने ही दस्त होंगे। यह मात्रा बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए अधिक मात्रा देनी चाहिए। आपको अभी कुछ घरेलू नुस्खे बताए, आप इनको इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको इनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट कीजिए और इनको सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य कीजिए।